और चलिए इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से है। आपको बता देते हैं, सुबह सपा अध्यक्ष हैं ओपी राजभर, जिनका बड़ा बयान सामने आया है। सुबह सपा ने राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए को समर्थन दे दिया है। एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट देगी सुबह सपा। अखिलेश जी ने मेरे वोट की जरूरत नहीं समझी, राजभर का कहना है। सपा ने मुझे मीटिंग में ही नहीं बुलाया, उनका दर्द वो बयां कर रहे हैं। सपा जयंत चौधरी को बुलाती है, उन्हें नहीं, जयंत चौधरी को बुला सकते हैं तो मुझे क्यों नहीं बुला सकते। सपा को मेरी सलाह की जरूरत नहीं है, मैं सपा के साथ वोट देने के लिए रजामंद था, अभी हम गठबंधन में हैं, जब तक वो रखेंगे तब तक रहेंगे, सपा हमें नजरअंदाज कर रही है, कहना है ओपी राजभर। और चलिए मेरे सहयोगी अश्विनी सिंह ने इस मामले को लेकर ओपी राजभर से खास बातचीत की है। क्या कुछ बातचीत है, क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी को झटका देते हुए एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन का ऐलान किया है। क्या वजह रहा कि आप समाजवादी पार्टी से अलग होकर एनडीए उम्मीदवार को समर्थन दे रहे हैं? समाजवादी पार्टी को हमारे वोट की जरूरत नहीं रही, जिसकी वजह से आप लोग प्रेस वार्ता में भी देखे कि हम लोगों को नहीं बुलाया गया। इधर माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे बुलाया और इन्होंने समर्थन की बात की, और शाम को 7:30 बजे द्रौपदी जी मुर्मू जी आई और उनसे मिलवाया, बातचीत हुई, तो मैंने कहा कि ठीक है, पार्टी और विधायकों से बात करके हम समर्थन का ऐलान करेंगे। तो 12 को करना था, नहीं हो पाया, तो उसी बीच अमित शाह जी का फोन आया, उन्होंने बुलवाया और मैं गया, तो उन्होंने भी वही बात कहा जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था। तो ही माननीय अमित शाह जी ने कहा कि भाई आप पिछड़े दलित वंचित की बात करते हो और ये सबसे निचली पायदान की महिला हैं, तो पहले तो निचली पायदान में आती हैं और दूसरी महिला हैं, अब इनका समर्थन करिए, जब आपकी ज़रूरत तो उधर समाजवादी पार्टी को नहीं है, यशवंत सिन्हा को नहीं है, तो फिर इधर करिए। हमने कहा ठीक। यशवंत सिन्हा दिल्ली से लखनऊ आते हैं, समाजवादी पार्टी कार्यालय में एक मीटिंग होती, आपको नहीं बुलाया गया, क्या आपका बड़बोलापन जो आप बोलते हैं उनको लेकर, उसको लेकर नाराजगी की वजह से आपको नहीं बुलाया गया? नहीं, हमारी गलती ये है कि 45-46-47 डिग्री टेम्परेचर पर आजमगढ़ बाई इलेक्शन में मैं 13-14 मीटिंग दिन भर करता था एक एक दिन में, और धरातल की जो खबरें आ रही थी, जो गरीब कमजोर पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के लोग थे, वो कह रहे थे कि अखिलेश जी को भी निकल करके आना चाहिए था। वही बात मेरा कसूर है कि मैंने कह दिया कि एसी से निकल करके धरातल पे काम करने की ज़रूरत है, बस इतना सा कसूर है। इसी वजह से एकदम गुस्से में हैं समाजवादी पार्टी के लोग। आपने अच्छी बात कही, लेकिन वहाँ के लोग नाराज हो गए, लगातार बयानबाजी करते हैं, कभी गाड़ी की बात करते हैं तो कभी गठबंधन मुलाकात न होने की बात करते हैं। क्या वजह है कि आप समर्थन दे रहे हैं? इससे पहले अखिलेश यादव से बातचीत हुई? नहीं, हम नहीं बात की। भाई हमारे यहाँ मुख्यमंत्री का फोन आ सकता है, गृह मंत्री का फोन आ सकता है, हम कौन तोप हैं? अरे हम भी विधायक हैं ना, हैं पार्टी के, अपने छोटी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, यही ना है। और हमारे फोन पर सबका फोन आ सकता है, तो अखिलेश जी का नहीं आ सकता? उनके चेले जो हैं नवरत्न लोग, जो कहुआ में लोग कहते हैं नवरत्न, उनको घेरे हुए हैं, ये नवरत्न लोग नहीं फोन कर सकते, वो नहीं करवा सकते? तो जरूरत उनको है, उनको जरूरत नहीं है, तो जिनको जरूरत है उनको समर्थन दिया। आप राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार का समर्थन करें, क्या माना जाए कि 2024 में आप फिर एक बार बीजेपी के साथ हाथ मिलाएंगे? नहीं महाराज, अभी हम राष्ट्रपति के चुनाव में द्रौपदी मुर्मू के साथ हैं और गठबंधन अखिलेश यादव जी के साथ है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि वो गठबंधन में है, लेकिन राष्ट्रपति उम्मीदवार जो द्रौपदी मुर्मू हैं उन्हीं का इस बार वो समर्थन करें, उनके सभी विधायक भी उन्हीं के लिए वोट करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मन्ना के साथ अश्विनी सिंह, अनादि टीवी।